टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने सीरियल उतरन में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से फैंस का दिल जीता। आज वो लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। 13 फरवरी 1986 को असम जन्मी रश्मि अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। रश्मि ने पति की बेवफाई सही और बॉयफ्रेंड का धोखा भी, लेकिन इसके बावजूद वो टूटी नहीं और मेहनत कर आगे बढ़ती गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों की मालकिन रश्मि के पास एक समय में दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जी हाँ, पेरेंट्स के बीच तलाक के बाद छोटी उम्र में ही रश्मि के सिर से पिता का साया उठ गया था। आर्थिक तंगी की वजह से 16 साल की उम्र में ही रश्मि ने काम करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में रश्मि ने बताया था कि उनकी माँ एक सिंगल पेरेंट थी। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। माँ अकेले दिन रात हमारा पेट भरने के लिए मेहनत करती थी, इसलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली रश्मि का नाम उनकी माँ ने दो बार बदला था। रश्मि की माँ ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि बचपन में रश्मि का नाम शिवानी था, लेकिन एक ज्योतिषी की सलाह से मैंने इसका नाम बदलकर दिव्या रख दिया, लेकिन मेरे परिवार में किसी को भी इसका नाम पसंद नहीं आया और फिर आखिर में मैंने इसका नाम रश्मि रखा। इसके बाद से ही इसके लिए सारी चीजें बदल गईं। एक्ट्रेस की निजी जिंदगी किसी से छुपी नहीं है। एक वक्त में रश्मि की अपनी माँ के साथ बातचीत भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। रश्मि देसाई ने माँ संग रिश्ते में आई पर बोलते हुए कहा था, माँ और मेरे रिश्ते में काफी मुश्किलें आई थी। ऐसा भी हुआ जब हमारे बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। हमारे बीच जनरेशन गैप आ गया था। मेरी जिंदगी रोलर कोस्टर साइड की तरह रही है। हालांकि बिग बॉस 13 के बाद माँ और बेटी के बीच रिश्ते फिर सुधर गए। 2006 में रश्मि ने रावण सीरियल से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उतरन सीरियल से मिली। उतरन सीरियल के सेट पर रश्मि ने नंदिश संधू से मिली, जो उनके को-स्टार थे। पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को एटीट्यूड वाला समझा। एक दूसरे को बुलाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। साल 2012 में दोनों ने शादी की, लेकिन एक साल बाद ही रश्मि और नंदिश के रिश्ते में अनबन रहने लगी और 4 साल बाद कपल का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नंदिश की कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता बिगड़ गया। कहा तो ये भी जाता है कि एक लड़की के साथ नंदिश की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद रश्मि ने उससे अलग होने का फैसला लिया। इनका तलाक काफी सुर्खियों में रहा। तलाक पर नंदिश संधू ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमने एक रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पहली बार जब रश्मि ने तलाक के लिए कहा था तो मैंने उससे एक और मौका मांगा था, लेकिन जब उसने दोबारा तलाक की बात कही तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश कर चुका था। वहीं रश्मि देसाई ने कहा कि अगर दो लोग एक साथ खुश नहीं है तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए, इसलिए हमने तलाक लेने का फैसला किया। नंदिश से तलाक के बाद रश्मि का नाम अपने से 10 साल छोटे लक्ष्य लालवानी के साथ भी जुड़ा था। लक्ष्य के साथ रश्मि की मुलाकात सीरियल अधूरी कहानी के सेट पर हुई थी। यहीं पर इनका प्यार परवान चढ़ा। कहा जाता है कि नंदिश से तलाक के बाद लक्ष्य ने रश्मि को इमोशनल सपोर्ट दिया। मेकअप रूम में अक्सर दोनों एक साथ वक्त बिताते थे, लेकिन रश्मि की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसकी वजह थी दोनों में उम्र का फासला। खबरों की माने तो इनके रिश्ते से गुस्सा होकर रश्मि की माँ ने साफ कह दिया था कि या तो लक्ष्य से दूर रहो या फिर घर छोड़ दो। रिपोर्ट्स की माने तो लक्ष्य के लिए रश्मि ने अपना घर छोड़ दिया और वो मुंबई के लोखंडवाला में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। इसके बाद लक्ष्य के घर एक पार्टी हुई, जहां पर रश्मि और उनका काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया। वहीं रश्मि देसाई और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के अफेयर की खबरें भी सुनने को मिली थी। दोनों ने टीवी सीरियल दिल से दिल तक में काम किया था। खुद बिग बॉस में रश्मि ने इस बात का जिक्र किया था कि लड़ाई होने के बाद भी वो सिद्धार्थ से दूर नहीं जा पाती थी। कहा जाता है कि सीरियल की शूटिंग के वक्त दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ रश्मि देसाई को लेकर काफी सीरियस थे। फिर ना जाने इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों की राहें अलग हो गईं। सिद्धार्थ के बिग बॉस 13 में रश्मि अपने बॉयफ्रेंड अरहान खान के साथ दिखाई दी थी। कहा जाता है कि रश्मि अरहान के साथ शादी की प्लानिंग भी कर रही थी, मगर यहाँ भी बात नहीं बन पाई। अरहान की शादी और एक बच्चे की बात रश्मि को पता नहीं थी, लेकिन खुद सलमान ने दुनिया के सामने इसकी सच्चाई लाई थी। शो में ही इस कपल के बीच इतनी अनबन हो गई कि दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था। हाल ही में रश्मि बिग बॉस 15 में नजर आई थी। घर में एंट्री लेते ही रश्मि ने उमर रियाज की खूब तारीफ की, जिससे एक्टर तो खुश हुए, साथ ही उनके फैंस भी। इस बीच रश्मि और उमर एक दूसरे के करीब आए। शो के दौरान एक्ट्रेस ने माना था कि वो उमर को पसंद करती हैं। यहाँ आपको बता दें कि उमर रियाज और रश्मि पहले से ही अच्छे दोस्त हैं।
वहीं रश्मि की उम्र के भाई आसिम के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। रश्मि देसाई खुद को फिट रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल उन्हें साइरोसिस नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें खुद का वजन संभालने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब एक्ट्रेस थोड़ी सी लापरवाही करती हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। बता दें कि साल 2002 में रश्मि ने असम इंडस्ट्री से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रश्मि को पहली सैलरी के तौर पर 350 रुपए मिली थी। असम के बाद रश्मि ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। इसके बाद रश्मि ने हिंदी टीवी सीरियल्स में अपने अभिनय का जादू चलाया। हेलो, अरे वो पांडे जी कहाँ है? हनीमून मनाने गए। पांडे जी को पुलिस दे दी। तो क्या वाइट कर रहे हो? तो जाना पड़ेगा। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? यार मेरे को जाने दो प्लीज। अरे आप भी आप अच्छा इसके लिए देख रहे हैं। मैम आप इस बार बिग बॉस में रहोगे? नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं ऑन एंड ऑफ ट्रैवल कर रही हूँ, शूट भी कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत मिल जाता पता करने पर, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी। अरे मैडम नो शेड्यूल बिजी थे भाई। लकीली नो अच्छा है ना, वैसे चार दिन मैं अपने पहले लॉक होके आई, फिर वापस लॉक हो गई। मेरी ओ बाय द वे आई रियली लव्ड आरशी एंड विकास, बट आई डिड नॉट लाइक व्हाट आरशी डिड टू विकास। एंड फिर इन्होंने भी कुछ किया? हाँ हाँ, आई थिंक आपका खो देता है जब आपकी पर्सनल बहुत पर्सनल स्पेस में चलता है। वाज रियली रॉन्ग, इट शुडंट हैव बीन लाइक दैट। इट वाज अ पर्सनल अटैक। कोई भी अपनी फैमिली पे जाएगा तो कोई भी बोलेगा ना। शिव खान, राकेश खान, विकी खान, आप लोग देख रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा लग रहा है सच्ची। ये नैपकिन पकड़ यार, वो नहीं नैपकिन पे घूम रही है। सेफ्टी मैम, यहाँ पे सेंटर मैम। मैम सब कुछ करना चश्मे का नाम मेकअप नहीं के लिए लाई मी थोड़ा नहीं तो मास्क अंदर है। अभी चलो ना, गाड़ी में बैठते हैं। जाओ कमी, बाय 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 गाइस, थैंक यू। मैम पीछे देखो, पीछे देखो मैम। ये पीछे आना फास्ट। सर रश्मि सबसे पहले जाना चाहिए। कैसा रहा ये न्यू आपके लिए? बहुत अच्छा, इट वाज ऑल मी। कैसा, आपने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया, काफी मजा आया, क्या कहते हैं? It was a very different trip, but see you, I have to head somewhere else. And Big Boss कितना देख रहे हैं? मैम Big Boss, Big Boss. रश्मि आज जितना Big Boss, Big Boss. आपके जितनी ही update हैं. तो आपके कोई favourite हैं Big Boss में? मैम Big Boss में कोई favourite हैं आपके? सारे ही हैं. कौन है? कौन है? At least Kaas है, Rubina है, Rahul है. भाई मेरे यार, मेरा भाई परेशान हो जाएगा, पहली बार आया है ऐसे। एक चीज़ जाननी थी आपसे कि ये जो अभी 2020 जो रहा है, पूरी तरीके से डिजिटलाइज रहा है, तो आप कितना कुछ मानती हैं, मतलब कितना डिजिटलाइज खुद को अटैच फील करती हैं? बहुत सारी बातें हैं, कंप्लेंट भी बहुत है, बट इट्स ओके। जैसे कि पहले जो होता था ना कि अच्छा नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।